नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बड़ा जानकारी देंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आप बेनिफिशियरी स्टेटस यानी कि अपने खाते का स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हो पीएम किसान के बारे में, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर, इन तीनों में से किसी एक के द्वारा आप चेक कर सकते हो बड़ी आसानी से। और आपको लंबे समय से पैसा नहीं मिल रहा है या कुछ दिक्कत है तो और उसका समाधान कैसे होगा, कहाँ पे होगा, ये सारा कुछ आप जान सकते हो पीएम किसान के चैटबोर्ड के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि chatbot.pmkisan.gov.in, इस पर आपको आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे कुछ तरीके से आपको इंटरफेस हो जाएगा, नहीं तो हम इसका डायरेक्ट लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन देंगे, वहाँ पर क्लिक करके भी आप डायरेक्टली इस पर आइएगा। आने के बाद यहाँ पे कुछ तरीके से आपको इंटरफेस होगा, यहाँ पर चार क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, नहीं तो आप खुद से बोल करके यहाँ पर माइक का आइकन है उस पर टाइप करके आप भेज सकते हो अपना क्वेश्चन प्रश्न को। तो यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट पहले से चार रहते हैं, जैसे कि मुझे मेरी अंतिम किस्त का भुगतान नहीं मिला है, ठीक है, मुझे मेरे पीएम किसान के खाते की स्थिति बताएं, और यहाँ पे मेरे पीएम किसान खाते में क्या समस्या है, मैं पात्र लाभार्थी क्यों नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ चार सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप हिंदी और इंग्लिश, उड़िया, बंगाली, ठीक है, इस तरीके से पांच भाषा यहाँ पे है फिलहाल, बाकी और भी भाषा यहाँ पे आ जाएगा भाई, ठीक है। और आप यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे मेरे पीएम किसान खाते की स्थिति बताएं, इस पर हम ये हमें जानना है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे टाइप हो जाएगा ऑटोमेटिक और इसे आप भेज दीजिए, नहीं तो खुद से भी आप बोल करके भेज सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप चाहे तो इसे आप सुन भी सकते हो, जैसे कि यहाँ पे सुनने के लिए यहाँ पे बताया गया है, प्रिय लाभार्थी, आपका विवरण प्राप्त करने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपना आधार संख्या या पीएम किसान पंजीकरण संख्या या मोबाइल संख्या दर्ज करें, ठीक है। तो यहाँ पे तीन में से किसी एक दर्ज करने के लिए बता रहा है, आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर। तो चलिए मोबाइल नंबर के द्वारा हम आपको चेक करके बता रहे हैं, जो भी आपका पीएम किसान के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसी को आपको एंटर करना होगा यहाँ पे। हमने मोबाइल नंबर एंटर किया और यहाँ पे भेज दिया है हमने। प्रिय लाभार्थी, आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आपको प्राप्त एक बार का पासवर्ड दर्ज करें। यहाँ पे OTP मुझे आ चुका है, ठीक है, फोर डिजिट का आपको OTP आता है 6901, और हम OTP को भेजते हैं यहाँ पे। अब हमारा एड्रेस जो है पूरा यहाँ पे दिख जाएगा, थोड़ा हम वेट कर लेंगे, ठीक है। प्रिय उर्मिला देवी, मैंने आपके खाते की जांच की है और पाया है कि आपको अपनी पीएम किसान पंजीकरण तिथि 22 अक्टूबर 2020 से अब तक की सभी किस्तें प्राप्त हुई हैं। आपको अपनी अगली किस्त का भुगतान जल्द ही अपने आधार से जुड़े बैंक खाते में मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप अपना डिटेल्स को अपडेट भी कर सकते हो, नहीं तो आप सुन भी सकते हो, ठीक है। सिक्योरिटी प्रोवाइडर से मैंने अपना डिटेल्स को बदल किया हुआ है, ये मेरा माँ का था। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह का अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलता रहे। मिलेंगे जानकारी के साथ, आपका दिन शुभ।